मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी तो आराम कर लिया करो तुम भी। थैंक यू लड्डू, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है ना। मैं तुम्हें नहीं, टीवी को कह रहा था, बेचारा 24 घंटे चलते ही रहता है। अच्छा बस बस, मैं समझी तुम मुझे बोल रहे हो। आपको कहने की क्या जरूरत है, ऐसे मोबाइल को क्या चार्ज करना जिसकी बैटरी पहले से फुल चार्ज हो, मजीद लगाएंगे तो खराब होने का खर्चा होगा ना। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैंने सिर्फ इतना कहा बहुत थक गई होंगी, आपको बर्फ वाला ठंडा ठंडा पानी ला के दूं। ठीक रहे हो, ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से जाके पानी और उसमें थोड़ी सी चीनी और वो लाल वाला शरबत है ना, वो भी ला ना। जाओ साफ साफ कह दो ना, शरबत ला दूं। हाँ तो साफ साफ जाके लेकर आओ ना। साफ साफ ले आता हूँ। हाँ तो जाओ ना। ठीक है साफ साफ जा रहा हूँ। पचास हजार का बिल, इतने में तो मैं बहुत अय्याशियां कर सकता हूँ। अरे भाई, अरे भाई, अब तो क्या अपना निकाह नामा पड़ रहा है जो इतने सदमे में खड़ा है, हैं? इतना बिजली का बिल, अभी इतने पैसों में तो मैं 3 महीने अय्याशी कर सकता हूँ यार। खैर खैर, हमें क्या भाई, ये बिल देने वाले जाने या बिजली वाले जाने, हमें क्या भाई। लेकिन सुसर जी, अगर आप मेरी एक बात माने ना, तो हम हर महीने अय्याशी कर सकते हैं। वो कैसे? सुसर जी जरा सोचें। अगर आपको इस बिल के सिर्फ 5,000 रुपए देने हो और मम्मी जी आपको सारी रकम दें, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन बकिया की रकम क्या तुम्हारे अब्बा जान आगे देंगे? अगर अगले महीने से बिजली का बिल ही 5,000 आए तो क्या मतलब? अबे बावले, क्या ये हमारे घर की औरतें हज पे जा रही हैं? अबे ये तो सांस नहीं लेती जब तक एसी की ठंडी हवा ना लगे इनको। तू 5,000 के बिल की बात कर रहा है? सर जी आप समझे नहीं, अगर हम कुंडा डालें तो। कुंडा? अबे इलेक्ट्रिक लॉक का जमाना है तो कुंडे की बात कर रहा है यार। सुसर जी मैं बिजली के कुंडे की बात कर रहा हूँ। अभी तो गलत बात है, चोरी है, इसे तो बिजली की चोरी करना कहते हैं भाई। सुसर जी मेरी नजर में चोरी उसको कहते हैं जिसके बदले आपको कुछ देने नहीं पड़ता। हम तो फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक 5,000 का बिल भर देंगे और बाकी की जो रकम होगी वो हम अपनी अय्याशी, मेरा मतलब अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। सोचे कहते तू ठीक रहा है, लेकिन अगर यार पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा? पुलिस को कौन बताएगा? नहीं तुम ही ना बता दो। मैं क्यों बताऊंगा, अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा तो। शायद पुलिस से इनाम लेने के चक्कर में। सुसर जी मैं इतना भी लालची इंसान नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। शाबाश। लेकिन यार अगर वो बेगम ने बिल देख लिया तो? अरे सुसर जी मम्मी जी ने आज तक बिल चेक किया है? कभी नहीं किया ना, तो अभी भी नहीं करेंगी यार। नहीं, मतलब अगर चेक कर लिया तो? यार वो मुझे बड़ा भरोसा करती है यार, अगर शक हो गया तो क्या होगा यार? सर जी वो आपसे ज्यादा बिजली के इदारे पे भरोसा करती है, वो जानती हैं कुछ भी हो जाए बिल ज्यादा ही आएगा, बचने वाले पैसों से हमारी अय्याशी होगी।
शुरू गुड कुंडा। ओहो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ओ जी बेगम ये आपकी गर्मा गर्म चाय। ये आज बड़ी जल्दी बना ली चाय। हाँ वो मैंने सोचा कि आज से मैं इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाया करूँगा। क्या कहा आपने? सोचा? आप कब से सोचने लगे? याद रखिए सोचने का काम सिर्फ मेरा है। चले कोई काम तो आपने अपने जिम्मे लिया। क्या क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं बेगम वो हाँ वो एक बात आपसे करनी थी। जल्दी कहिए क्या बात है? वो बेगम असल में बात यह है कि अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पैसों से आपको उस दिन डिनर कराऊं। क्या क्या कहा? अपने पैसों से? कहां से आए आपके पास पैसे? अरे कोई गलत काम तो नहीं करने लग गए? अभी तो नहीं किया। हाँ नहीं नहीं मेरा मतलब है कि कुछ पैसे जोड़े हैं बेगम, कुछ और जुड़ जाएंगे आपके लिए आपकी मोहब्बत में। अरे अरे चूल्हा जलता छोड़ के आ गया, मैं चूल्हा जलता छोड़ के आ गया। लगता है सौदे में से पैसे मारने लगे, नजर रखनी पड़ेगी इनको। कहाँ रह गया ये जुगाड़ करनी है। देख ले जल्दी कर। इसका जुगाड़ तो मैं कर दूंगा, पहले पैसे तो निकाल। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, तू इसका जुगाड़ तो कर, अपना हाथ मत रोकियो, काम पूरा करना है। अच्छा बात सुन, हाथ में नहीं रुकूंगा। ये बता कि इसका मेन स्विच कहाँ है? वो मेन स्विच तो अंदर है। तो अंदर जाना होगा फिर ना। चले हाँ 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 चलो चल। अच्छा पागल एक नंबर का। ओहो ये कैसी बेवक लाइट चली गई है। अरे कोई लाइट की जाने का वक्त भी होता है क्या? मामा अब क्या होगा? अरे भाई आ जाएगी लाइट, क्या पहले बगैर लाइट के जिंदा नहीं रहते थे लोग? बाहर दरअसल काम हो रहा है बिजली का, आ जाएगी अभी आ जाएगी। काम? कैसा काम? कुंडे का। कुंडा? कुंडा? कैसा कुंडा? गुलाब ये सब क्या है? कुंडा बेगम, अरे वो असल में बात ये कि हमारे ये पीछे इलाके में बिजली की बड़ी चोरी हो रही है, तो भाई ये बिजली वाले जो है हमारे इलाके में जरा चेकिंग के लिए आए हैं। अब आ जाएगी बिजली, क्यों लड्डू है? हाँ, ये सोसाइटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बात है, बिजली चोरी कैसे लोग ही ये लोग, हद होती है। अरे अगर मुझे मिल जाए ना बिजली चोर तो मैं उससे घर दामाद बना लूं। क्या मतलब? अरे पागल वागल तो नहीं हो गए क्या? नहीं मेरा मतलब है बेगम बात ये कि छोड़े ना, किसकी चक्करों में पड़ गए आप, मैं आपके लिए बेहतरीन चाय बना के लाता हूँ। अरे बस बस भाई कितनी चाय पिलाएंगे आखिर? ऐसा करें कि ड्रिप लगा दे मुझे चाय की। जाइए मेरे लिए अच्छा सा ठंडा जूस बना के लाए। हाँ पापा मेरे लिए भी जूस। लड्डू तुम जाके बाहर चेक करो, मैं इन्हें यहाँ बनाता हूँ। जी मतलब वो जूस बना रहा हूँ ना, आपने चाय को तो मना किया है ना, तो जूस बना रहा हूँ, बना के ला रहा हूँ। चले भी जाए।
हाँ भाई, हो गया काम? हो गया? हाँ काम हो गया, अब मुझे मेरे पैसे दो। पैसे? पैसे तो नहीं है। बाद में आके ले जाना, बाद में आके ले जाना। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। अरे कहा ना, पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं बिजली का बिल ना भर देता, कुंडा क्यों लगवाता? पैसे नहीं दोगे तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुंडा निकाल ही देता हूँ। कुंडा निकालेगा? मैं अभी तेरी वीडियो बनाऊंगा, वायरल कर दूंगा, सबको बताऊंगा तू बिजली चोरी करता है। बना बना, निकाल निकाल निकाल। अरे बाबू ये क्या कर रहे? एक तो मैंने तुम्हारे साथ नेकी किया, ऊपर से तुम मुझे मेरे पैसे भी नहीं दे रहे हो। आहा, तूने नेक काम किया बड़ा। मस्जिद के पंखे लगाए तूने, कहा ना इसी तारीख को आके अगले महीने ले जाइयो पैसे। समझ आई कि नहीं? पैसे तो मैं आज ही लूंगा। काम हो गया सुसर जी, आप तो इंतजार करो, हमारी जेब में इजाफी पैसे आएंगे, इजाफी। बात सुन, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस हो जाए जैसे सोचा है तो बस मजा आ जाएगा। अरे हो जाएगा, बल्कि समझो हो गया। अच्छा तुमने उसको क्या कहा? क्या कहना था? वही कहा जो आपने कहा था, धमकी लगा दी मैंने उसको। तेरी की। अच्छा अच्छा, फिर 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 क्या? ऐसे भागा टिकड़ी टिकड़ी टिकड़ी, और ये नफू चक्कर भाग गया। हाँ। इतनी आसानी से? धमकी किसने लगाई थी? हाँ किसने लगाई थी? लड्डू ने। लड्डू ने। लेकिन लड्डू, धमकी तूने लगाई है ना, तो डर ही तो इसीलिए रहा हूं मैं। अरे सुसर जी, इस बात को छोड़ो, चिल करने की तैयारी करें, ऐश करने की तैयारी करें। बेटे ऐसा ना हो कि जेल जाने की तैयारी करनी पड़ जाए। कौन? अबे तू, तुझे तो कहा था पूरे एक महीने के बाद आना, तू एक घंटे के अंदर ही आ गया, एक दिन के अंदर ही आ गया। साहब ये बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? हाँ है, मगर तू क्यों पूछ रहा है? मेरे पास एक जुगाड़ है कि तुम दूसरे का बैलेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। तू बोले तो कर दूं। सर जी, तुम्हारा बैलेंस तो गया। अरे उस्ताद क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं, मगर मैं ये सोच रहा था कि तू फ्री में किसका काम करते ही नहीं है, और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है तुझे देने के लिए। अरे बस इतनी सी बात, अगले महीने दे देना उसी पैसों के साथ। ठीक है। तू एक काम कर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, जब तक मैं तुम्हारे फोन में जुगाड़ करता हूँ। हाँ ये ले। भागियो मत, देख मैं तेरे लिए पानी क्या चाय क्या खाने का, बल्कि सब चीजों का बंदोबस्त करके आता हूँ। ठीक है, जाना नहीं। हाँ ठीक, जाना नहीं। ओके। ये ले। ये लो, जुगाड़ हो गया। अब एक महीने के बाद आना, अब जाओ 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 जाओ, दूर चले जाओ। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। यार टीवी बंद कितना बुरा लगता है भाई। अरे यार टीवी चलाओ बाबू। क्या रौनक आती है, टीवी चलता है घर में रौनक। हाय 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 हाय, वो देखो क्या बात। ये बिला वजह टीवी क्यों चला दिया आपने? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है बेगम, असल में बगैर टीवी के लाउंज जो है सूना सूना लगता है, इसे टीवी को चलते रहना चाहिए। अच्छा। अरे अरे अरे, आप पंखा चला दिया, हो क्या रहा है आपको? अरे परेशान क्यों हो रही हैं? टीवी को गर्मी न लगे इसलिए पंखा चला रहा है। सुसर जी सुसर जी सुसर जी, कसम हो गया। अब क्या जलजला आ गया? पुलिस आ गई। पुलिस आई है, मगर क्यों? क्यों ये? छापा मारने आई है। छापा? अरे किस बात का छापा? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, क्या हुआ है?
बिजली की चोरी का छापा। बिजली चोरी? अरे क्या है ये सब, किसने किया ये हरकत? शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। अरे किस चीज की कमी है आप दोनों के पास? पैसों की। क्या? कुछ नहीं बेगम, कुछ नहीं। सर जी पता नहीं किसने मकबरी कर दी हमारी। जिसने भी की है मकबरी तू देखा छोड़ूंगा नहीं उसे। जाओ जाओ भुगतो। अरे मैं नहीं बचाऊंगी अब तुम दोनों को। अभी तो कुछ करे बाहर चले वरना नाराज होंगे। और मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे 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 मामा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं पापा ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। अरे थाने में उन्होंने इतने छितर खा लिए होंगे कि एक हफ्ते तक अब खाने को कुछ नहीं मांगेंगे। ममीजुर ममीजुर वो थाने से फोन आया था, वहाँ से 50,000 रुपए मांगे गए ताकि हमारे ससुर जी को छोड़ा जा सके। मेरा तो दिल चाहता है कि थाने वालों को फोन करके कहूँ कि खूब छितरौल करें इनकी, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तो ख्याल आ जाए। मामा आपको कितना प्यार है ना पापा से, कितनी फिक्र है आपको इनकी। कोई प्यार नहीं है मुझे तुम्हारे पापा से। अरे मुझे तो काम की फिक्र पड़ी हुई है, हैं? ये दोनों अगर जेल चले गए तो इस घर का काम कौन करेगा? वैसे मम्मी जी एक बात है, ससुर जी इस जेल से ज्यादा उस जेल में आराम से रहेंगे। क्या मतलब है, हमने उनको कैदी बना के रखा हुआ है क्या? वो तुमने एक मिसाल तो सुनी होगी ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। हाँ हाँ सुना है, मगर तुम ये बात क्यों कर रहे हो? मम्मी जी छोड़े ना मिसालों को, आप मुझे पैसे दें ताकि मैं ससुर जी को रिहा करा के लेकर आऊँ। इतने सारे काम पड़े कौन करेगा? बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा पैसे देने को। जब से मुझे ये पता चला है ना कि तुम दोनों ने मिलकर बिजली चोरी की है, जहर लग रहे हो तुम लोग मुझे। हाँ तो ठीक है आप एक और मुलाजिम रख लें। हाँ नहीं तो क्या बोल रहे हो तुम? बकवास बंद करो तुम अपनी, दे रही हूँ मैं पैसे। बहुत ठुकाई हुई होगी उनकी। चुप हो जाओ। हेलो ससुर जी, अरे आओ ना। अरे 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 बैठ जाओ। अरे भैया अरे आंगन दुख हो रहा है, मार डाला जालिमों ने, मार मार के पागल कर दिया। ये सब तेरे मशवरों की वजह से हुआ है। कुछ मेरी वजह से? अरे पापा पा गए? नहीं नहीं अभी मैं थाने में हूँ, धुलाई हो रही है मेरी। ज्यादा चोट पड़ रही है ससुर जी। अरे भाई डाकर हाथ ना लगा, दुख रहा हूँ, कोई जगह छोड़ी नहीं है, सब जगह मारा खूब। चलिए कमरे में चलिए, जरा आपकी मरहम पट्टी तो मैं करूंगी। लड्डू कर देगा? लड्डू की भी तो मरहम पट्टी करनी होगी। क्यों मम्मी जी? इसलिए कि इस जुर्म में बराबर के शरीक हो तुम। चलिए कमरे में चलिए, आपको तो मैं बताती हूँ। फौरन आइए, दोबारा आवाज ना देनी पड़े मुझे। आइए और हाँ खुद हो गया। हम चले, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी लड्डू। दुआ कीजिएगा। हम चले आए, बस मिल जाए, तलाश जारी है मेरी, मिल जाए मुखबिर तो देखना उसको। अरे यार ये दर्द हो रहा है। अरे बड़ी धुलाई की है भाई उन्होंने। मिल जाए मुखबिर मार दूंगा जान से, काट पीट दूंगा और खुद थाने चला जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। लड्डू का फोन बजा। अबे लड्डू, ओ लड्डू तेरा फोन। हेलो जी कौन? बिजली वाले? अरे भाई निकाल दिया कुंडा,
अरे मेरे बाप की तौबा यार, कुंडा तो क्या, कुंडी भी नहीं लगाएंगे भाई हम। क्या आपने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया? क्या लड्डू का शुक्रिया अदा करने के लिए? आपको लड्डू ने कुंडे की शिकायत की है कि यहाँ कुंडा लगा हुआ है? इसी नंबर से आपको कॉल गई थी? ठीक है मालूम कर लूंगा मैं उस लड्डू से कि उसको इनाम मिला कि नहीं मिला। और मैं जी इसको आपका सलाम भी कह दूंगा और अपनी तरफ से भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह हाफिज। लड्डू लड्डू। सर जी जी सर जी बोले। तैयार हो जा। तैयार? तू मेरा दूसरा निकाह करा रहे? दूसरा निकाह? बिजली वालों का फोन आया था कि इस फोन नंबर से उनको लड्डू ने फोन किया था कि यहाँ कुंडेबाजी हुई है। हैं? हाँ। मैंने सब कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई मुख नहीं। इस फोन पे आई इत्तला उसने खुद का है। ओ सोमो सुजी एक मिनट मैं कसम खाता हूँ अब्बा की कसम मामा की कसम मेरी पूरी खानदान की कसम मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। अब इस पे आई खुद उसने कहा है कि इनाम की रकम भी मिल गई होगी उसको। उसने फोन किया लड्डू ने। नहीं 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 सुसा जी नहीं बिल्कुल ही मैंने। हाँ अब याद आया मेरे पास एक जुगाड़ है कि तुम दूसरे का बैलेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तू बोले तो कर दूँ। तू फ्री में किसका काम करते ही नहीं है और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है तुझे देने के लिए। अरे बस इतनी सी बात, अगले महीने दे देना उसी पैसों के साथ। ठीक है तू एक काम कर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ जब तक मैं तुम्हारे फोन में जुगाड़ करता हूँ। मैं तेरे लिए पानी क्या चाय क्या खाने का बल्कि सब चीजों का बंदोबस्त करके आता हूँ। ठीक है जाना नहीं। हाँ ठीक जाना नहीं। ओके हेलो मैं लड्डू बोल रहा हूँ। अब आपको समझ आया? समझ तो आ गया है मुझे लेकिन मेरी इतनी धुलाई हो चुकी है कि अब धुलाई तो तेरी भी बनती। नहीं सुनो जी मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी है नाशार सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद के घर दामाद।